और पाकिस्तान में 9 मई की हिंसा के खिलाफ शहबाज सरकार सख्त हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने जानकारी दी है कि हिंसा में शामिल 33 संदिग्ध लोगों को ट्रायल के लिए सेना को सौंप दिया गया है। आरोपियों पर आर्मी एक्ट के तहत केस चलाया जाएगा। पाकिस्तान के गृहमंत्री के मुताबिक 19 आरोपियों को पंजाब प्रांत और 14 आरोपियों को खैबर पख्तूनख्वा के अधिकारियों को सौंपा गया है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर एक बार इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी एक बार फिर से ज्यादा तेज हो गई है। पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास करवा लिया गया। इमरान पर फिर गिरफ्तारी की तलवार। आर्मी एक्ट के तहत 33 समर्थकों पर एक्शन। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव। 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही हिंसा में शामिल इमरान के 33 समर्थकों को ट्रायल के लिए सेना को सौंप दिया गया है। वहीं आर्मी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है और इसी एक्ट के तहत जल्द ही इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वाले ऐलान से इमरान खान के पार्टी के नेता डरे हुए हैं। इसी वजह से इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब तक 37 नेताओं ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें इमरान के करीबी फवाद चौधरी और पीटीआई के महासचिव असद उमर समेत कई बड़े नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने एक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बड़ा दावा किया कि इमरान खान मानसिक तौर पर बीमार हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति सवालों के घेरे में है, जिसके बाद शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान को दिमागी रूप से बीमार बता दिया। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि इमरान ने अपने पागलपन की वजह से ही पाकिस्तान में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। वहीं इमरान खान ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए शहबाज सरकार पर उनके और उनकी पार्टी पीटीआई के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए। और पाकिस्तान की सियासत से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और पीटीआई नेता ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। अली जैदी ने इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे दिया है और राजनीति से भी खुद को अलग कर लिया है। वहीं अब तक 40 से ज्यादा पीटीआई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। तो एक एक कर इमरान खान का साथ लगातार उनकी पार्टी के नेता ही छोड़ते चले जा रहे हैं। अब अली जैदी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया है और यही नहीं, करीब 40 नेताओं ने एक साथ इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। तो इमरान खान के करीबी एक एक करके उनका साथ लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं। अब तक करीब 40 पीटीआई के नेताओं ने पार्टी तक छोड़ दी है, जिसमें कई पूर्व मंत्री और बड़े नेता शामिल हैं। ग्राफिकली आपको हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। सबसे पहला नाम देखिए, मुराद रास, जो पूर्व मंत्री रहे इमरान खान की सरकार में, उन्होंने पार्टी को छोड़ने का सबसे पहले फैसला किया। तो देखिए अकेले पड़ते नजर आ रहे इमरान खान। चौधरी फवाद हुसैन, जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं इनके सरकार के दौरान, वो भी साथ छोड़ चुके हैं। श्री मंजारी, पूर्व मानवाधिकार मंत्री हैं, उन्होंने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया। और देखिए इसके अलावा फैयाजुल हसन चौहान, जो पूर्व प्रांतीय मंत्री रहे थे, उन्होंने भी इस पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा आमिर कियारी, जो कि पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे, उनकी तरफ से भी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया गया। तो लगभग 40 ऐसे मंत्री हैं जो साथ छोड़ चुके हैं इमरान खान। इमरान को लेकर पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इमरान खान पर शराब और कोकेन का नशा करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही इमरान की दिमागी हालत भी खराब बताई है। वहीं इमरान खान ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। और इधर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का देश को लेकर लक्ष्य गिरा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी ने ही उन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान की पार्टी पीटीआई नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। पीटीआई के 146 और नेताओं के देश छोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। शहबाज सरकार ने 146 पीटीआई नेताओं को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया है। इन नेताओं को देश छोड़ने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 146 और पीटीआई नेता ऐसे जिन पर एक्शन लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान सरकार का ये बड़ा एक्शन है। और 9 मई को जो हिंसा हुई उसके बाद से ही माना यह जा रहा है कि लगातार सरकार की ओर से इमरान खान की पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। 146 और पीटीआई के नेता हैं जिन पर ये एक्शन लिया गया है। नो फ्लाइट जोन में इन्हें डाला गया है। इमरान खान पर भी ये पाबंदी लगाई गई है। सरकार की इजाजत के बिना वो देश नहीं छोड़ सकते हैं। ये बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से 9 मई की हिंसा हुई थी, करीब 500 ऐसे नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से। तो देखिए, सैन्य प्रतिष्ठानों पर उस वक्त हमला किया गया था। 33 संदिग्ध प्रदर्शनकारी पहले से ही ऐसे हैं जो सेना को सौंप दिए गए हैं। आर्मी एक्ट के तहत आरोपियों पर ट्रायल होगा, इस बात की भी जानकारी बार बार दी जा रही है। तो आपको बता दें, 146 ऐसे मंत्री हैं जिनको नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी कि वो अपना देश नहीं छोड़ सकते हैं सरकार की इजाजत के बिना। और ऐसे में अब देखिए किस तरीके से परिस्थितियां जो है पाकिस्तान में इमरान खान के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इमरान खान खुद भी इस वक्त बहुत अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी लगातार उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इमरान खान की मुश्किलें यहां से कम होने का नाम नहीं ले रही। तो आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल News 8 in India। News 8 in India की बादशाहत लगातार कायम है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से News 8 in India पर भरोसा जताया है। News 8 in India के सामने नहीं टिका आज तक। News 8 in India है आज तक से 9% आगे। आर पार की जंग में अमीश देवगन ने आज तक को बड़ी मात दी है। शाम 7 बजे News 8 in India आज तक से 57% आगे है। अमन चोपड़ा के देश नहीं झुकने देंगे ने आज तक को पस्त कर दिया है। रात 8 बजे News 8 in India आज तक से 22% आगे है। किशोर आजवानी ने आज तक को बताई 100 बात की एक बात। रात 9 बजे News 8 in India आज तक से 3% आगे है। कच्चा चिट्ठा ने किया आज तक को चित। रात 10 बजे News 8 in India आज तक से 22% आगे है। आप सभी दर्शकों का News 8 in India को नंबर 1 बनाने के लिए